मनोज तिवारी ने कैसे संकट खड़ा कर दिया पवन सिंह के लिए। जी हाँ, हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप तो देख ही रहे होंगे, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है वीडियो जहाँ पर मनोज तिवारी और पवन सिंह ये दोनों एक स्टेज पर है। ये स्टेज गाजीपुर का है और आपको बता देते हैं इस स्टेज शो में धमाकेदार पवन सिंह ने कई गाने गाए। और जब इन दोनों कलाकारों का आमना सामना हुआ तो भाई यहाँ पर मनोज तिवारी ने पवन सिंह को और सिंगरों के लिए संकट बता दिया और ये कहा कि जहाँ आप खड़ा होते हैं वहाँ कोई गा सकता है भला। अब भाई आप इसी से समझ सकते हैं कि पवन सिंह का क्रेज़ कितना है मार्केट में, कितना लोग उन्हें पसंद करते हैं। वैसे भी पावर स्टार ने यहाँ पर ये बात सुनने पर थोड़ी हंसी तो आई उन्हें, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सब आपका आशीर्वाद है और मैं आपका आशीर्वाद हूँ। यानी कि यहाँ बहुत ही विनम्रता के साथ पवन सिंह ने अपने बड़े भाई मनोज तिवारी को आश्वस्त किया। खैर, आपको बता दें मनोज तिवारी अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। मनोज तिवारी की आवाज़ में इतना दम है कि एक वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में वो राज करते थे। हाँ, ये बात और है कि आज भले ही वो भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर हैं और अपने राजनीतिक करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि मनोज तिवारी है तो कलाकार ही है, तो गायक ही। अब माइक और जब ऐसा समा बंधेगा तो कौन सा ऐसा कलाकार होगा जो गाए बगैर रह जाएगा। मनोज तिवारी और पवन सिंह ने कई बार स्टेज शेयर किया है और इन दोनों ने बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस भी दी है। आपको कैसा लगी इनकी ये परफॉर्मेंस, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।